क्या भाई क्या कर रहा है? सोच रहा हूं। क्या सोच रहा है? आसाम की डेलिमिटेशन के बारे में। अच्छा तो बता, अब तक क्या सोचा? सोचा तो बहुत, मगर नतीजा अब तक नहीं निकला। चल मुझे बता, मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूं? तू निकालेगा नतीजा? अच्छा तो सुन, आसाम में हो रहे परिसीमन यानी डेलिमिटेशन को लेकर एक नया पंगा शुरू हो गया, जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके लिए सभी की स्वीकृति और आम सहमति जरूरी है, जिसके लिए 11 विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को उनसे मुलाकात की थी। जहां कांग्रेस समेत असम के 11 राजनीतिक दलों के नेताओं ने असम के लिए परिसीमन से जुड़े मसौदों पर सवाल खड़े करते हुए शुक्रवार को यहाँ प्रदर्शन भी किया। उन्होंने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां जताई है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि जल्द ही विपक्षी दलों के नेता इसके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देंगे। अरे यार, फिर से एक और धरना? क्यों भैया, ये तो हमारा राइट है। ये देश लोकतंत्र का पुजारी है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार भी है। अच्छा बाबा, आगे बताओ क्या मामला हुआ फिर? दरअसल 20 जून को जारी असम के परिसीमन मसौदे में विधानसभा और लोकसभा दोनों के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों की ज्योग्राफिकल बॉर्डर को बदलने और कुछ सीटें खत्म करने की प्लानिंग है। वहीं कुछ सीटें नई भी बनाई जाएंगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत न होती तो हम इस पर चर्चा ही न कर रहे होते प्यारे। हुआ यूं कि विधानसभा की सीटों को 126 और लोकसभा की सीटों को 14 रखने का प्रस्ताव किया गया है। इसके चलते राज्य में विपक्षी दलों के साथ साथ सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सहयोगियों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि 2011 के आंकड़ों का उपयोग किए बिना परिसीमन अभ्यास करना गलत है। 2011 की जनगणना क्या कहती भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार असम में कुल 31 जिले हैं। इस राज्य का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 3.12 करोड़। यहाँ हर प्रति वर्ग किलोमीटर पर 398 लोग रहते हैं। इस राज्य की आधिकारिक भाषा असमिया है, जो व्यापक रूप से बोली जाती है, लेकिन कई अन्य बोलियां जैसे बंगाली और बोडो भी आसाम में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। सरकार को उन सभी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। तो ऐसा हुआ नहीं क्या? अरे होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती ना भैया कि अरविंद केजरीवाल खुले मंच से इस योजना पर निशाना साधते हुए आरोप लगाते कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने मानदंडों से खिलवाड़ किया। इस मसौदे पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने मांग की कि चुनाव पैनल या तो असम में जनसंख्या में वृद्धि और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए और प्रस्तावों को संशोधित करे या 2026 में अन्य राज्यों के साथ नए सिरे से परिसीमन अभ्यास करने के लिए इसे वापस ले। अरे मेरे भाई, तेरी कोई भी बात अब मेरे दिमाग में नहीं घुस रही है। ये परिसीमन है क्या, ये तो बता, और इसे कैसे किया जाता है? बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। इतनी देर से जबरन ही सिर हिला रहा था। चल कोई नहीं, अब सुन। परिसीमन जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सीट पर मतदाताओं की लगभग समान संख्या हो। ये आदर्श रूप से परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा जनगणना के बाद हर कुछ वर्षों में की जाने वाली प्रक्रिया है। ओ अच्छा, अब समझ आया। मतलब नेता हो या मतदाता, दोनों को समान अधिकार। अरे तो ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है भाई। क्या ये हमेशा होती है? राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के मद्देनजर 1976 में इस अभ्यास को निलंबित करने से पहले नियमित रूप से 3 बार 1952, 1962 और 1972 परिसीमन पैनल स्थापित किए गए थे। अंतिम आयोग 2002 में स्थापित किया गया था, लेकिन परिसीमन पूरी तरह से लागू हुआ ही नहीं गया। 2008 में इसका अभ्यास पूरा होने से पहले 4 उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड का परिसीमन अलग अलग राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से सुरक्षा जोखिमों के कारण स्थगित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर को भी ऐसे ही कारणों से उस परिसीमन प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। और तब किसने की थी बाकी तो पता नहीं, लेकिन 2008 में भाजपा सहित असम में विभिन्न संगठन परिसीमन का विरोध कर रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि ये अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के लागू होने के बाद ही किया जाए। और बीजेपी अब इसको करवा रही है। पहले बात तो समझ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि परिसीमन वे सुरक्षा प्रदान कर सकता है जिनकी एनआरसी और 1985 के असम समझौते में परिकल्पना की गई थी, लेकिन वो विफल रहे। उन्होंने ये बात बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में कही थी, जिसके बारे में भाजपा और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को लगता है कि अंततः असम पर बंगाली भाषी या बंगाल मूल के मुसलमानों का कब्जा हो रहा है। उन्होंने असम के छोटे परिवार वाले कानून का पालन करने वाले समुदायों को 12 बच्चे पैदा कर सरकारी नीतियों की अवहेलना करने वालों से बचाने के लिए स्वदेशी लोगों के लिए संवैधानिक और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों की वकालत की। उनका कहना है कि वो अपने असम में बंगाल के पंचायत चुनाव जैसे हालात नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा परिसीमन असम के भविष्य को कम से कम 2 दशकों तक बचा सकता है। भाजपा और कुछ गैर सरकारी संगठनों का मानना है कि एनआरसी मसौदा सूची में 3.3 करोड़ आवेदकों में से केवल 19.6 लाख लोगों को छोड़कर बहुत सारे गैर नागरिकों को शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि परिसीमन से एससी और एसटी की सीटों को कोई खतरा नहीं है। मगर ये एनआरसी की प्रक्रिया तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो चुकी है ना, तो क्या फिर अब बीजेपी को इस पर भी भरोसा नहीं? भरोसा जैसा शब्द राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो बस वोट बैंक और सत्ता। अब बता क्या सही और क्या गलत? सोचने दे भाई, सोचने दे। ये तो सोचने लगा, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।